दोस्तों, डीसी फैंस के लिए मैं एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर अपडेट लेकर आया हूँ, और ये अपडेट ये है जस्टिस लीग स्नाइडर कट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डीसी में जो एक्वामैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं जेसन ममोआ, उन्होंने हाल ही में स्नाइडर कट देख ली है और उन्होंने पूरी की पूरी स्नाइडर कट देख ली है और उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया है कि स्नाइडर कट सबसे बेस्ट है, बेस्ट लेवल की फिल्म है। इससे पहले जैक स्नाइडर खुद ने यह कन्फर्म कर दिया कि स्नाइडर कट पूरी तरीके से रेडी है, अब सिर्फ डीसी की तरफ से परमिशन देना बाकी है इस मूवी को रिलीज करने के लिए। लेकिन डीसी अब तक इस मूवी को रिलीज नहीं किया, और अब जेसन ममोआ ने भी ये फिल्म देख ली है और उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया कि स्नाइडर कट पूरी तरीके से रेडी है। और डीसी फैंस बहुत समय से चाहते हैं कि वो स्नाइडर कट देखे, उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया और बैनर भी प्रिंट आउट करवाया सैन डिएगो की कॉमिक कॉन के लिए, और उन्होंने ये पोस्टर छपाया कि रिलीज द स्नाइडर कट। और वार्नर ब्रदर्स जो कि डीसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने स्नाइडर कट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दे रहा। और अब जेसन ममोआ ने आगे आकर ये बात पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया कि स्नाइडर कट बनकर पूरी तरीके से रेडी है, और अब ये वार्नर ब्रदर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग स्नाइडर कट को रिलीज करेंगे या नहीं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और डीसी फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जेसन ममोआ खुद आगे आकर ये कहा और स्नाइडर कट को लेकर अपडेट दिया। देखा जाए तो डीसी अब अपनी यूनिवर्स को पूरी तरीके से रिबूट करने पे तुला हुआ है, और हाल ही में सुपरमैन का कैरेक्टर जो प्ले करते हैं हेनरी केविल, उनका भी एक स्टेटस आया था कि वो अब सुपरमैन का रोल नहीं करेंगे, लेकिन जेसन ममोआ ने फिर से कहा कि वो हेनरी केविल को इतनी जल्दी सुपरमैन का रोल नहीं छोड़ने देंगे। बहुत जल्द मैन ऑफ स्टील 2 पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा और शायद हेनरी केविल रिटर्न आएंगे सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। सभी के सभी फैंस और हम ये होप कर सकते हैं कि डीसी अगले साल ही हमें स्नाइडर कट को रिलीज कर दे उनकी स्ट्रीमिंग सर्विस पर, क्योंकि वो ये सिनेमा हॉल में तो रिलीज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अपडेट? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।